साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पे आज आप देख रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं हमारी फीमेल जर्नलिस्ट हैं, मतलब एक फैमिली की तरह यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया क्रिकेट का, जिसमें मैडम नैयब जो हैं यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ मैडम यहाँ पे मौजूद हैं जो प्रेस क्लब पिंडी की जो इंचार्ज हैं मैडम साहबा, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और ये देख रहे हैं कि आप गेमा गेमी देख रही हैं, ये जो हमारी रिपोर्टर्स हैं जो फील्ड में होती हैं, तो उनके लिए जो है ना एक इंटरटेनमेंट के लिए जो है ना ये एक छोटा सा जो है ना क्रिकेट का एक जो है ना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया। हम थोड़ी सी इनसे बात भी करेंगे कि आप हमें बताएंगे कैसे ये टाइम आपने मैनेज किया और मतलब आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जैसे आपने पूछा कि टाइम कैसे मैनेज हुआ और ख़वातीन के लिए ये टूर्नामेंट का आइडिया, तो ये बहुत यूनिक आइडिया है। हमारी फ़ीमेल जो है ना वो रिपोर्टिंग में काम में किसी से कम नहीं है, लेकिन होता ये है कि उनके पास अपने लिए वक्त नहीं होता, वो अपने आप को वक्त नहीं देती, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेती। तो हम लोगों ने इस दफ़ा जो हमारा प्रेस क्लब का, चूँकि एक मेल का जो है वो टूर्नामेंट हर दफ़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, तो हमने ये किया कि उसमें फ़ीमेल्स की प्रॉपर जो है ना वो टीमें रखी गई। और जब ख़वातीन जर्नलिस्ट से ये बात की गई तो की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया, उन्होंने बहुत पसंद किया इस आइडिया को और जोश खरोश से ना सब ने हिस्सा लिया। और आज आप देख भी रहे होंगे कि कितनी बड़ी गैदरिंग है, इस वक्त हमारी 12 टीमें हैं जो है ना फीमेल जर्नलिस्ट की जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, और हमें बहुत खुशी हुई है। और माशाल्लाह जो है ना ये बहुत अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी है, और हमारी कोशिश होगी कि हम आइंदा भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े का माहौल बना हुआ है, एक तो मौसम बहुत अच्छा है, ऊपर से क्रिकेट मैच हमारी सारी खवातीन आज पहली दफ़ा इधर खेल रही हैं, और मैं समझती हूँ कि इसका क्रेडिट जो है वो अफजल भट्ट साहब को, अनवर रजा साहब को और उनकी पूरी टीम को जाता है। और ऐसे इवेंट्स मैं समझती हूँ कि होने चाहिए, क्योंकि हमारी खवातीन जो हैं जब थकी हारी कामों से आती हैं, आपको पता है कि घर की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं और बाहर की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, फिर वो जॉब भी करती हैं, तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है नेशनल प्रेस क्लब का, जहाँ पे आके हम मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स वगैरह भी खेलती हैं, चाय भी पीते हैं, गपशप भी करते हैं। तो बहरहाल आज तो हमारे क्रिकेट मैच हो रहा है, ये हाँ जी आज तो आपका ही दिन, आज हमारा दिन है जी, 100% हमारा दिन है जी। क्लब की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, और स्पेशली तमाम लड़कियों को एक दफ़ा लाइक एक फैमिली एटमॉस्फेयर दिया गया है, और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है, तो पता चल रहा है कि भाई ये सहाफ़ी दोस्तें भी हैं जो कि हमारी इस फील्ड में हैं। तो ऐसे मेरे ख्याल में इवेंट्स होते रहने चाहिए, एक तो इंटरेक्शन का मौका मिलता है, पता चलता है कि कौन कौन से साथी हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरा आप जो एक इंटरटेनमेंट साइड की अगर बात की जाए, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात की जाए, तो डेली रूटीन में तो मतलब बींग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं स्पोर्ट्स के इवेंट जो है वो खुद कवर करती हूँ, जब खुद खेलने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, आप जैसे सहाफ़ी जब आते हैं तो हमें कवर करते हैं तो खुद की कवरेज करवाने का भी अच्छा फील आ रहा होता है, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसे इनिशिएटिव होते रहने चाहिए, और ये एक टूर्नामेंट है क्रिकेट का, मेरे ख्याल में जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, हमें ये बताएं कि मैडम नैयर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और मैडम मायरा, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, इतना बड़ा जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया। बिल्कुल, मैं नैयर के बारे में कहना चाहूँगी, नैयर ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, लाइक मेरा जो कलील सा करियर है और प्रेस क्लब की मेम्बर भी हूँ, तो इतने अरसे से मैंने कोई ऐसी गहमा गहमी नहीं देखी पहले प्रेस क्लब में होते हुए, तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सब जो ख़वातीन है एक बड़ी तादाद में उनको इकट्ठा किया गया है और सब पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इस पर कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी नैयर को, मायरा को भी, दोनों की बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं, उन्होंने सब लड़कियों को एक साथ इकट्ठा किया और सबको एक फैमिली की तरह इकट्ठा किया, लग रहा है। और ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और फर्स्ट टाइम एनपीसी में जो है ये वुमेन टूर्नामेंट होना जा रहा है और हम इसे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हमें रूटीन लाइफ से हट के जो है ना कुछ अलग करने को मिला है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना एपीपी का नाम रोशन करें और यहाँ से जीत के जाएँ। थैंक यू। आप ये किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आज के जो टूर्नामेंट? इसका क्रेडिट जो है मैं जो हमारी विनिंग है एनपीसी की जो काबीना है, और सबसे स्पेशल थैंक्स अफजल भट्ट का, नैयर का और खलील राजा का और अनवर रजा का कि उन्होंने इस तरह के इवेंट हम खवातीन के लिए भी किए हैं, वरना पहले तो सिर्फ मेल ही मेल नज़र आते थे, तो अब मेल भाग गए और वुमेन जो है ना वो एनपीसी में हमेशा नज़र आएंगी। आपके लिए प्रेस क्लब की टीम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि फीमेल्स के लिए ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएँ। ज़ाहिर है एक तो क्रिकेट, मुझे तो लगता है वैसे फीमेल्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से गुरेज करते हैं, और रमज़ान में खास तौर पे क्योंकि उन्हें अफ्तारी बनानी होती है, सहरी बनानी होती है, तो एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी, और इसमें मैं तो अभी जैसे आप देख ही रहे कितनी ज़्यादा फीमेल्स से पार्टिसिपेट किया, इसी से अंदाज़ा हो सकता है कि फीमेल्स ऐसे इवेंट्स चाहती हैं कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब ने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, और सभी फ़ीमेल हैं, क्योंकि डेली जो हमारी रूटीन होती है भाग दौड़ होती है, एक हंगामा हल्ला गुल्ला इस तरह की ज़िंदगी होती है, अपने लिए हम वक्त नहीं निकाल पाते, हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन का बहुत कम टाइम मिलता है, हम अपने लिए
लिए जा ही नहीं सकते, तो ये जो इवेंट है इसमें बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब से देख रहे हैं कि नैयर मैडम नैयर अली ने चार्ज संभाला है तो बहुत सारी खवातीन को यहाँ आना जाना शुरू हो गया और बड़े अच्छे अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? नैयर ने आके बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और एटलीस्ट कि ये कहूँगी कि एक जो फीमेल होती है वो अच्छे से समझ सकती है कि एक फ़ीमेल जो है उसे भी एक जहनी तौर पर सुकून कितना चाहिए, उसे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन का दिल चाहता है। तो नैयर ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है और नैयर समझती है एटलीस्ट कि फ़ीमेल क्या चाहती है। तो आप हमेशा उन्हें खबर के लिए होते हैं, जो आप आज देख रहे हैं कि आपको खुद कवरेज भी मिल रही है, और कैसा आप फील कर रही हैं? आई रियली जस्ट लव स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बगैर मैं नहीं रह सकती, तो अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ इस चीज़ को।